हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं मोबाइल लाइफ। आज हम बात करेंगे आईएसओ डिवाइस के बारे में, आईफोन, आईपैड वगैरह आईएसओ डिवाइस के बारे में। हम वैसे तो हम देखते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर दी, उसे यूज़ कर लिया और हमें कुछ आईडी पासवर्ड मालूम ध्यान नहीं है और कभी कभी अकाउंट बाईपास के समय कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम नॉर्मली किसी भी तरह से हम बाईपास कर लेते हैं। उसमें अगर कोई शॉप पर जाकर कर रहा तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। लेकिन आईफोन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आईफोन के अंदर आपने कोई भी अगर रफली कोई भी आईडी क्रिएट कर दी, जिसका आपको पासवर्ड तो अगर आपको मालूम है लेकिन आईडी आप भूल चुके हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह क्या लगा रखा था, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत लॉस होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास आईओएस यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि मेरे पास अभी एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे पासवर्ड मालूम है लेकिन देख सकते हैं आईडी मालूम नहीं है। ये है आईपैड मिनी 4, इसके अंदर अभी ये प्रॉब्लम है। सोचा इस बारे में कोई एक वीडियो बनाया जाए, इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी कस्टमर आते हैं, तो मैंने सोचा कोई भी एक वीडियो बना दी जाए इसके बारे में। तो अगर आपके पास आईफोन है और अगर आप उसे फॉर्मेट करने की सोच रहे हैं, तो पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि आपके अंदर मोबाइल के अंदर आई क्लाउड लगा हुआ है। अगर है तो आपको आईडी मालूम होनी चाहिए और पासवर्ड भी इसका ध्यान में होना चाहिए। कभी भी आप अपने आई क्लाउड के अंदर कोई भी रफ आईडी क्रिएट करके साइन इन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको फॉर्मेट करने के टाइम वो आईडी आपको ध्यान में होनी चाहिए, और अगर ध्यान में नहीं होगी तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कोई ईमेल आईडी आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि जिसका आप आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान में होगा, और आपका कोई कभी मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, कोई फॉर्मेट किया और आपको वापस डाटा चाहिए, तो आप री स्टोर उसे कर सकते हैं आई क्लाउड के थ्रू। सबसे पहले ये बात हो गई। उसके अलावा जैसा कि हम एंड्रॉयड के अंदर देखते हैं, कोई भी आईडी क्रिएट कर दी उसके अंदर वगैरह वगैरह, उसके अंदर नॉर्मली हो जाता है। और इसके अंदर अगर आपको फॉर्मेट करना है मोबाइल, तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल में जाना है और लास्ट में जाना है रीसेट एराइज ऑल कॉन्टेक्ट एंड सेटिंग, यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपका मोबाइल कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर अगर आईडी है, आईडी लगा हुआ है, और अगर आपको पासवर्ड मालूम है और आईडी मालूम नहीं है, तो फिर कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है और फिर आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कभी भी आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर ले और इसके अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर आईट्यून डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको कि कभी भी आपको मान लीजिए कि मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, मान लीजिए आपके मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, कोई अदर कोई यूज़ उसके अंदर 4, 5 बार, 10 बार कोई भी पासवर्ड टाइप कर लेता है, तो आप स्क्रीन पे देखते हैं मोबाइल डिजेबल हो जाता है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके आपके कंप्यूटर के अंदर आईट्यून पहले से आप डाउनलोड कर रखा है, आप रेगुलरली अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो डिजेबल का ऑप्शन हट जाएगा और वापस पासवर्ड इंटर करने के लिए आपको कहेगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप हमेशा सोचते हैं कि एक आईडी क्रिएट कर ले, तो कोई भी रफली आईडी क्रिएट करके आई क्लाउड के अंदर इंटर मत करिए। और जो भी आप आईडी अपना आई क्लाउड के अंदर इंटर करते हैं, वो आईडी और पासवर्ड किसी और से शेयर न करिए। अगर आप सेम आईडी अपनी आई क्लाउड की आईडी या फिर जो नॉर्मली आप यहाँ पर भी यूज़ करते हो और एप स्टोर में भी यूज़ करते हैं, आप मान लीजिए कि किसी और अपने फ्रेंड वगैरह को, कोई अदर फैमिली मेम्बर को देते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आपका सारा डाटा, कॉन्टैक्ट, फ़ोटो वगैरह वहाँ पर शेयर हो सकता है। इस बात का आप ध्यान में रखिए। अगर आपने साइन इन कर रखा है आई क्लाउड के अंदर, तो आप देख ले इसके अंदर डाटा ऑन है, सॉरी फ़ोटो कॉन्टैक्ट वगैरह ऑन है, तो उसे आप ऑफ कर सकते हैं। और आपका अगर ऑन ही रखना है, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली यूज़ किया जाए इसे, तो आप पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे एक फ्रेंड ने पूछा कि आईओएस के अंदर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। मैंने कहा आईओएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, इसलिए ही इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है, और काफ़ी इसके अंदर रेगुलरली अपडेट होता रहता है सॉफ्टवेयर, तो इसे आई क्लाउड का बाईपास करना बहुत मुश्किल होता है।
और जैसे कि आईफोन 4G वगैरह, उसमें जो पुराने डिवाइस जिसके अंदर वर्जन अपडेट नहीं देता कंपनी, उसके अंदर अब बाईपास हो जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट चलते रहते हैं उसके अंदर बाईपास होना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड iOS डिवाइस यूज़ करता है तो आप उसे इसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके पास अगर आपके घर पे कोई आईपैड वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटा भाई वगैरह कभी उसमें क्या होता है, नॉर्मल जाते हैं सेटिंग में जाते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं, तभी ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और आपको खर्चा काफ़ी हो सकता है इसके अंदर। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।